शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम भी ना, हम दे देते हैं। अब रोहन नहीं, एक मिनट शिवांश, एक मिनट पकड़िए ना। अब ये पैसा आपने सुबह हमको दिए थे ना, बच गए, लीजिए लीजिए, अब पूरे हो जाएंगे। चलो अब सूप तो हो गया, घर चले। अब रोहन, अब हमारी नाक और बाइक बिल्कुल ठीक हो गई, अब हम इनके साथ चले जाएंगे। देखा, तुम्हारा जुकाम अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है और बाइक पे ठंडी हवा लगेगी तो फिर से बीमार हो जाओगे। चलो हम छोड़ देते हैं। शिवांश, तुम्हें क्या लगता है, अम्मा जी, वो हम कह रहे थे कि बाहर टहलने चले क्या? टहलने? नहीं नहीं, कितना जाड़ा बढ़ गया है, हमको बहुत जाड़ा लग रहा है, हमारी हड्डियां ठिठुर जाती है ना। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि टहलना जरूरी है, कहे ना कि देह में फुर्ती रहती है, अगले 100 साल तक भी आप चुस्त रहेंगी। और हम भी घर में पड़े पड़े एकदम ऊब गए। चलिए ना, थोड़ी देर के लिए ही चल लीजिए। अच्छा चल जी, हम आपकी मदद कर देंगे। ठंडे। एक बात बताओ हमें कि तुम्हारी याददाश्त वापस आई कि नहीं है? वो कहाँ आई अभी तक अम्मा जी? आपने कहा था ना वो लड़की हमारी बेटी है, जो स्वीटी रोज हमारे सर पे बैठी रहती है, हमें रोज कुछ ना कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, पर हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा। और वैसे भी आप ही ने कहा था कि हमारे कर्म कोई बहुत अच्छे नहीं है, बड़े कांड किए हमने, तो उससे अच्छा तो याद ना ही है तो ठीक, यहाँ से नई जिंदगी शुरू करते हैं ना हमने। तो क्या सारी जिंदगी तुम यही रहोगी, हमारे सर पर बैठ के मुंह धरोगी? मुंह धरेंगे नहीं, मुंह बनाएंगे आपके लिए, मुंह सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अरे आपकी सेवा करेंगे हैं? अरे श्रवणी आ गई। हाँ ये तो किसके साथ आई है? शिबू कहाँ है? ये शिबू ही तो है। हाँ शिबू नहीं, ठीक तो हम ठीक है। अच्छा हम चलते। ये तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अम्मा जी, ये तो आम बात है,
अगर आप अपने घर की बहू को घर से बाहर भेजेंगे तब तो ये सब होगा ही ना। समय के साथ अब आपको भी बदल जाना चाहिए। ये तो आजकल के बच्चे हैं, कहाँ बदलेंगे, है ना? अच्छा शमनी, ये तुम्हारे लिए। रोहन, इन सब की क्या जरूरत थी? और डोज टाइम पे लेते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, ये बुढ़िया जितनी किलसेगी ना, घर में उतना ही बवाल मचेगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, गेट वेल सून। हाँ, थैंक यू। तुम भी आराम से चले जा। शिवांश, शिवांश आ जाइए, खाना लग गया है। शिवांश, पता नहीं कहाँ रह गए। शिबू, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, बस थक गए हम। तो आज बाइक भी खराब हो गई और कैंटीन में लड़का भी नहीं आया, इसलिए काम बहुत था। ये क्या है, जब से आप गुहार लगा रही हैं, खाना लग गया, खाना लग गया, ऐसे लगाते खाना? कलची कहाँ है, हाथ से निकालेंगे? शिवांश, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना तमतमा क्यों रहे? अब नहीं रखी है, आ जाएगी अभी। कोई बात नहीं चीचा जी, हम लेके आते हैं कलची। दुल्हन, क्या हुआ इसे? पता नहीं अम्मा, शायद गलत करवट टूट गए। इतना खिसी आइए मत, कलची आ जाएगी अभी। हम किससे आ रहे हैं? फालतू बात कर रही हैं आप खड़ी होके? बच्चों जैसे क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बच्चों की तरह। हाँ, हम मिर्ची का रस लग भी जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा। अब काम हो जाएगा। जीजा जी, रुके, हम देते हैं। हमें दीजिए। अरे हम देते हैं ना, दीजिए।
किसने बनाई तरकारी है? क्या हुआ? ये तरकारी है कि जहर? इतना तीखा कौन खाता है? शिवांश, हमने सिर्फ एक ही मिर्चा डाला है। कहाँ तीखा है? ठीक तो है शिबू? ठीक है, इसका मतलब हमारा दिमाग और हमारी जबान दोनों खराब है। शिवांश, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लग रही है? हमारा मुंह जल रहा है यहाँ पे और आप है कि खड़े होकर ज्ञान दे रही हैं। मुंह जल रहा है? हो सकता है आपके मुंह में पहले से छाले। रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी। अपनी डॉक्टरी अपने दोस्तों को दिखाना, हमें नहीं। अच्छा ठीक है, खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना हमें। दुल्हन, गुस्सा शिबू की कमजोरी है, उसे गुस्सा दबाना नहीं आता। हो सकता है कहीं और का गुस्सा यहाँ निकाल गया हो। बाहर कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो उसे अच्छा न लगा हो? नहीं अम्मा, बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी मर्दों का पारा ना ऐसे ही बढ़ जाता है बिना बात के। ठीक हो जाएगा। वो बाहर कोई तुमको छोड़ने आया था अभी, वो तुम्हारे जन्मदिन पे भी आया था ना। बड़ा मिलनसार लड़का है। नहीं क्या हो गया है इन्हें, हम जाकर एक बार बात करते हैं। हम कह रहे थे कि अभी मत जाओ, अभी गुस्से में है ना, पारा चढ़ा हुआ है, बनती बात बिगड़ जाएगी। परेशान में तो ठीक हो जाएगा है ना अम्मा जी? हमें भी यही लगता है कि वो बड़ी ठकुराइन सही बोल रही है। उसको अपने आप शांत होने दो, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बीबी जी आइए बैठिए। अरे लेकिन नई गाड़ी आई है, नारियल फोड़िए, पूजा करिए, मुहूर्त तो करेंगे ना। आप लोग जाइए आरती की तैयारी करिए, हम तब तक गाड़ी को दुल्हन के जैसे सजाते हैं। ठीक है चलिए। चलो सजाना शुरू करो, तुम्हारी गाड़ी। देखो हो गई तैयारी, सज गई गाड़ी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छी लग रही है। अम्मा अपने हाथों से गाड़ी पे स्वास्तिक तो बनाइए। ये लीजिए नारियल,
इसको फोड़ के शुभ मुहूर्त कीजिए। आप कीजिए ना। दुल्हन को बोलते हैं दुल्हन तुम्हारे हाथों से शुभ मुहूर्त करते। अरे नहीं अम्मा, आप घर की बड़ी है, आप कीजिए। नहीं हाँ अम्मा जी, आप करिए, आप बड़ी है। लीजिए। अब तुम सब लोग बोल ही रहे हो तो हमारे शिबू को खूब तरक्की मिले, खूब प्रगति करो। गाड़ी ले जाएं कॉलेज? हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ। चलिए बीबी जी। ध्यान से जाना। जी। ये बताइए कि आपको सवारी कैसी लगी? एक मिनट, कार थोड़ी पुरानी है लेकिन है ना एकदम चकाचक। हमें तो सबसे ज्यादा अच्छी आपकी बाइक लगती है जिसमें हम आपको ऐसे कस के पकड़कर बैठ सकते थे आपके पास। जी वो तो है लेकिन इसका भी अपना मजा है। वो क्या है ना बीबी जी, अब आपको ठंड नहीं लगेगी, अब आराम से कॉलेज आइएगा। शिवांश हम जानते हैं कि आपको हमारा सबसे ज्यादा ख्याल है, लेकिन एक बात कहें, हम जैसे भी है ना खुश है। दूसरों को देख के हमें अपना रहन सहन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। समझते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो जलन होती है, पोजेसिव होते हैं और ये सब नेचुरल है। ये कार आपने इसीलिए ली ना, क्योंकि कल हम रोहन के साथ उसकी कार में आए थे, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं वो बात नहीं है। बीवी है आपकी, आपके बिना कहे सब समझ लेते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। बस आगे से जब आपका कोई मन नहीं होना कुछ करने का तो उस चीज के लिए बोलेगा भी मत। जब आपको अच्छा नहीं लगा कि हम रोहन के साथ वापस आए तो फिर क्यों भेजा हमें? शिवांश बस एक चीज कि जो हमारे मन में वही हमारे जुबा पर। भरोसा और ईमानदारी ना सबसे जरूरी चीज है। वादा? वादा। चले? चलिए। शिवांश की इतनी छीछा लेदर होनी चाहिए कि उसकी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, जिंदगी भर श्रवणी से आंख ना मिला पाए। ये जो इसका सारा घमंड है ना वो एड़ी की नोक के नीचे आ जाए। आप चिंता मत करो मम्मी, आप बस तमाशा देखो। दीदी के कॉलेज की सहेलियों को हम शॉपिंग करा दिए हैं, अब वो वही करेगी जो हम कहेंगे। आपको छोड़ के आते हैं, उसके बाद गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। हम
कॉन्ग्रेचुलेशन शिवान, न्यू कार। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे वाह, न्यू कार, मुबारक हो। बेबी जी, आपकी क्लास खत्म हो गई ना, हमें फोन कर देना। अरे लगता है अपना फोन हम गाड़ी में छोड़ा है। आप चलिए, हम फोन लेके आते हैं। जी। चमनी, अब जुकाम कैसा है? ठीक है, वो क्लास के लिए देरी हो रही है, बाद में मिलते हैं। देखो भैया, जो बीवी से करे प्यार वो कार से कैसे करे इनकार, इसीलिए लेके आई पुरानी कार। शिवांश, नई कार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नाइस, चलो फिर मिलते हैं। देखो हमारा कॉलेज ऐसा है ना, जहाँ पे कैंटीन मैनेजर भी कार में आता है। सेकेंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। लो आ गए कैंटीन मैनेजर। लो आ गया सेकेंड हैंड पति। गाड़ी तो देखो, जोकर जैसी गाड़ी लेके आया है। डॉक्टर बीवी कहीं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ ना भाग जाए। देखना आज वो रोहन के साथ जाएगी गाड़ी में। इसलिए हमारे कैंटीन मैनेजर साहब अपना खेत बेच के लेके आए सेकेंड हैंड कार। श्रवणी को मैं गाड़ी से घर छोड़ दूं? रखा उसे। रख दिया। यहाँ पढ़ने आते हो ना, जाके पढ़ाई करो, वरना समझा देंगे अच्छे से। वरना क्या करेगा, बोलना क्या करेगा? बे हाथ मत लगा। मारेगा, बोलना सेकंड हैंड पति। बोल क्या करेगा, बोल। अबे क्या कर रहे, क्या बोला, अब बोल। अरे कोई प्रिंसिपल को बोलो, हमारी बीवी के बारे में बकवास करता है। ये तो शिवांश की आवाज है। क्या बोला तू? शिवांश, छोड़ो मैं। शिवांश क्या करे, क्यों झगड़ा करे? आपके बारे में घटिया बातें कर रहा है। खून निकल रहा है यार। अबे बोल रहा है। शिवांश क्या करे आप, चलिए चलिए यहाँ से, चलिए। गुंडाई करने आते हो यहाँ पर या कैंटीन चलाने? वाइफ कहाँ है तुम्हारे, जिसकी वजह से इतना बवाल कर दिया? मैम आपने बुलाया? तुम ही श्रवणी हो? जी। पहले वाले डीन ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारी, लेकिन आज मैम इसमें श्रवणी की कोई, तुम खुद को बचाओ। हम जानते हैं इसमें श्रवणी की कोई गलती नहीं है, पर तुम जो कुछ भी करोगे उसका सीधा असर उस पे पड़ेगा। बोलो तुमने स्टूडेंट पे हाथ क्यों उठाया? मैम इस लड़के ने हमें, ये हमारा कॉलेज है, हम डीन है यहाँ के, और हमारे होते हुए ये सब नहीं चलेगा। मैम मैम प्लीज समझिए, शिवांश को उकसाया गया है। कोई उकसाएगा तो ये हाथ उठाएगा? आज इसने हाथ उठाया है, कल कोई और उकसाएगा तो जान ले लेगा किसी की। देखो श्रवणी, गुस्से में आपा होने से नुकसान ही होता है हमेशा, कभी खुद का कभी सामने वाले का। मैम हम दोनों माफी मांगते हैं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी मैम, ऐसा दोबारा नहीं होगा।
हाँ, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम इस कॉलेज कैंपस में कदम ही नहीं रखोगे जी, और ना ही कैंटीन संभालोगे, और तुम्हारे ही सैलरी से इस लड़के की मरम पट्टी के पैसे काटे जाएंगे। देखो, ये एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है और हम यहाँ के डीन हैं। हमारे होते हुए यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैम प्लीज, मैम एक चांस दे दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम लोग जा सकते हो। मैम ये हमें आग दिखा रहा है। फिर वही गुंडागर्दी, निकलो यहाँ से, और अगर फिर इस कॉलेज के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पुलिस बुला लेंगे हम। चलो निकलो। मैम प्लीज, शिवांश की तरफ से हम माफी मांगते हैं। तुम्हें भी सस्पेंड होना है, होना है, बोलो ना। मैम चलो निकलो, निकलो यहां से। गुंडाई करने आते हो यहाँ पर? आज से तुम इस कॉलेज कैंपस में कदम ही नहीं रखोगे और ना ही कैंटीन संभालोगे। निकलो यहाँ से, और अगर फिर इस कॉलेज के आसपास भी दिखाई दिए ना तो पुलिस बुला लेंगे हम। चलो निकलो। ओहो, क्या हुआ, जॉब चली गई? जाओ अब चने बेच के अपनी बीवी को पढ़ाना। ओह, आपको गुस्सा आ रहा है? मारोगे मुझे, मारोगे मुझे, मारो मारो। याद है ना डीन ने क्या बोला था? ये देखो भाइयों, अपना हीरो आ गया। स्वागत नहीं करोगे इसका? श्रवणी, घर ले जाओ इस गुंडे को, और अंदर से कह देना अपनी औकात ना भूले। ओए, चल निकल, बड़ा 30 मार्क का। चल चल, शकल मत देख, चल चल चल। शिवांश चलिए। चल चल। श्रवणी, श्रवणी वो हम तुमसे। रोहन, अभी हमें कोई बात नहीं करनी। तुमको क्या हुआ? आंखें कहाँ सूजी? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब तो होने वाला है। कहे कि मम्मी, हमारे प्यारे जीजाजी की नौकरी चली गई, इसलिए हमको बड़ा दुख हो रहा है, और इसीलिए हम आंसू बहाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी आप तो बड़ी मगरमच्छ हो, आपके तो आंसू आने से रहे। लो, आप भी लगा लो। ये तुम रखो, तुमको जरूरत है। काहे कि नव सिखिया हो ना, हम तो है नहीं। अब शिवांश घर पर रहेगा, उसको पुचकारना, उसको सहारा देना, उसकी हिम्मत बनना और उसके करीब आना।
और वहां कॉलेज में श्रवणी और रोहन का तार जोड़ते रहना। क्या बात है स्वीटी, इस बार बिना गड़बड़ किए ही काम निपटा दी? अपनी माँ पे जो गए हम। माँ से तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कहे कि चंद्रा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। शिवांश के पुरुष अहंकार को ठेस लगी है। इस वक्त तुमने अगर शिवांश को सहारा दे दिया, अपनी तरफ कर लिया ना, तो जिंदगी भर की जीत होगी। लो आ गया सेकंड पति। सेकंड हैंड कार के साथ रोहन का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। देखना आज वो रोहन के साथ जाएगी गाड़ी में। हम जानते हैं इसमें श्रवणी की कोई गलती नहीं है, पर तुम जो कुछ भी करोगे उसका सीधा असर उस पे पड़ेगा। जाओ अब चने भेज के अपनी बीवी को पढ़ाना। हमने आपसे वादा किया था कि आप कभी गुंडाई नहीं करेंगे, लेकिन जब उसने आपके बारे में गलत बात की तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग सही कहते हैं हमारे बारे में, हम गुंडे गुंडाई कर सकते। शिवांश, लोगों का तो काम है कहना, आप मत सोचिए। हमारी वजह से आपको भी डांट सुननी पड़ी। शिवांश सिंह, शादी की है हमने आपसे, तो सब कुछ साथ बांटेंगे। सुख भी और दुख भी। सबसे पहले ये गाड़ी हटा देते, हम बाइक पर ही ठीक है। शर्मी, शर्मी, हमें आपसे कुछ कहना है। बोलिए। आप पहले हमसे वादा करो कि आप गुस्सा नहीं होंगे। नहीं होंगे। शर्मी, हमने ये गाड़ी लेने के लिए अम्मा के गहने चुराए थे। शर्मी, हमें नहीं पता था हमें क्या हुआ, हम अपनी नजरों में गिर गए। शर्मी, हमें माफ कर दो। शर्मी, बस आप हमसे नाराज मत होइए। हम वापस कर देंगे गाड़ी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमसे नाराज मत होना, हमसे गुस्सा मत होना। नहीं लाएंगे। शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक कीजिए, अपना घर चलते हैं, फिर घर जाके देखेंगे कि आखिर क्या करना है।
जीजा जी दीदी हमको पता है कॉलेज में क्या हुआ है बेचारे जीजा जी जीजा जी आप दिल मत छोटा कीजिए दूसरी नौकरी आपको यू मिलेगी देख लेना नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी शिवू इसलिए हम कहे थे दुल्हन कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दो ये भी समझाया था शिबू को ये नौकरी मत करने देना लेकिन नहीं तुम्हारी नजर में तो हम अनपढ़ है गवार है अम्मा हम ये सब बातचीत बाद में भी तो कर सकते हैं ना शिवांश की हालत तो देखिए हाँ अम्मा तुम चुप बैठो अम्मा आप काहे बवाल काट रही हैं हमको सब पता है शिबो पता है हमें कि तुम किससे और काहे भिड़े थे इसी के लिए लड़े थे ना तुम है ना लेकिन अम्मा इसमें हमारी क्या गलती है गलती है तुम्हारे वो दोस्त है ना हम उनको उसी दिन समझ गए थे जब वो घर आए थे वो हल्ला साथ में नाचना गाना हाथ पकड़ना अम्मा हमने नहीं बुलाया था उन्हें और वो रोहन उसके साथ नाचना गाना उसी का नतीजा है सब देख लो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं अम्मा जी वो उसके बचपन का दोस्त है सुन लो दुल्हन ये दोस्ती वोस्ती सब छोड़ दो और नहीं छोड़ सकती तो ये पढ़ाई छोड़ दो क्योंकि भरे बाजार ये तमाशा हो हमको ये बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन अम्मा शिवांश नहीं अम्मा हमें डॉक्टर बनना है हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते और हम अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकते अगर पढ़ाई नहीं छोड़ना है तो आज के बाद रोहन या किसी लड़के से बात या दोस्ती नहीं करोगी बिल्कुल भी नहीं और जो तुमने हमारी बात काटी तो नहीं काटेंगे अम्मा वादा करते हैं आपसे ना हम किसी को दोस्त बनाएंगे और ना ही किसी से बातचीत करेंगे
शिवांश मानी आज अम्मा को एक और मौका मिल गया आपकी पढ़ाई रोकने के लिए और उधर कॉलेज में मैम ने धमकी दे दी आपकी पढ़ाई के लिए कि हमने क्या कर डाला शिवांश मैम गुस्से में थी थोड़ा मामला ठंडा होने दीजिए हम दोबारा बात करेंगे नहीं श्रावणी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे शिवांश समझिए हमने सुना है कि मैम बहुत अच्छी है वो हमारी परेशानी जरूर समझेंगी नहीं अब हम वहां जाना नहीं चाहते वहां जाना नहीं चाहते मतलब तो क्या करेंगे आप पता नहीं लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए गोरखपुर से बाहर चले जाएं ताकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें क्या हाँ आप बैठिए बैठिए भागना चाहते हैं आप हम उस शिवांश को जानते हैं जो कभी भागना नहीं सीखा इस शिवांश को नहीं अम्मा ठीक कह रही है शिवांश यह बात केवल आपकी नौकरी की नहीं है आपके मान सम्मान की है सही और गलत की है मैम ने जो भी फैसला लिया है ना वो एक तरफा है और वो हमें मंजूर नहीं है उस गलत को ना अब हम ही ठीक करेंगे हम मैम से दोबारा बात करेंगे शिवांश शिवांश आपको भरोसा है ना हम पर तो बस इतना समझ लीजिए कि कल हम अपने पति की नौकरी और उसका मान सम्मान दोनों अपने साथ वापस लेकर लौटेंगे वादा करते हैं अपना फैसला बदलने का हमारा कोई इरादा नहीं है मैम तुम इस कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें बुलाया है क्या कहना है जल्दी कहो मैम आपको नहीं पता वहां हमें सब पता है हमें पता है कि स्टूडेंट्स ने शिवांश को उकसाया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं है ना कि हाथापाई करते फिरे हमें देखो इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं गुस्सा हमें भी आता है तो क्या हम सब पर हाथ उठाते फिरे नहीं ना अनुशासन जरूरी है लेकिन खुद पर काबू रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी भी हालात में हम अपना आपा नहीं खो सकते मैम लेकिन हम बात खत्म हो चुकी है श्रवणी तुम जा सकती हो माता रानी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिएगा ये क्या है खुद ही देख लीजिए सब समझ में आ जाएगा क्या हुआ श्रद्धा ही है ना आपकी बेटी इसी कॉलेज में पढ़ती है ना देखिए लड़कों के साथ शराब पी रही है ये
और इतना ही नहीं, ये देख रही है, ये पेपर्स भी लीक किए आपकी बेटी ने, पूरे प्रूफ है हमारे पास। क्या है ये, क्या है ये सब? What rubbish! बड़ा गुमान है ना आपको अपने न्यायप्रिय और निष्पक्ष होने पर, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आपने, और सब कुछ जानते हुए भी। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात, झूठ है ये सब, सच बना देंगे। हमारे पति शिवांश को बाइज्जत यहां बुलाकर उसे उसकी नौकरी वापस लौटाई है। और ये सब कुछ ट्रस्टीज के पास पहुंचा देंगे हम सबूत के तौर पर, और इतना ही नहीं कॉलेज के मैगजीन पर भी छपवा देंगे, इसे इंटरनेट पर भी डलवा देंगे। फिर आपकी मान प्रतिष्ठा और आपकी लाडली बेटी का करियर सब खत्म। तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल, हमारे पति के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी, और हाँ किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। एक मिनट के अंदर ना आपकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। खबरदार, निकलो यहां से, गेट आउट। और हाँ, तुम्हें जो भी जिसे भी कहना है कह सकती हो, ना हम गलत है और ना ही गलत होने देंगे, और अगर तुम्हारी कही बात जरा सी भी सच निकली तो हमारी अपनी बेटी के सस्पेंशन ऑर्डर पर हम खुद सिग्नेचर करेंगे, समझी? निकल जाओ यहां से। आप अपना आपा कभी नहीं खोती है, यही कहा था ना मैम। इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं, गुस्सा हमें भी आता है, तो क्या हम सब पर हाथ उठाते फिरे? मैम, आपको हमने उकसाया और आपने अपना आपा खो के हम पर हाथ उठा दिया। उसी तरह शिवांश भी, उसे उकसाया गया था मैम, इसलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया और उनका हाथ उठ गया। वो भी हमारे बारे में ऐसी गिरी हुई बातें नहीं सुन पाए मैम। ये सारी तस्वीरें झूठी है, आप खुद सोचिए ना, आप जैसी सुलझे हुए इंसान अपना आपा खो सकती है? तो शिवांश, इतना प्यार करती हो अपने पति से कि थप्पड़ खा के भी मुस्कुरा रही हो? करते तो है मैम, बहुत करते, लेकिन आज हम सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे पति हैं, बल्कि इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फंसाया गया है मैम, उन्हें उकसाया गया है, वो सही थे उन्हें गलत ठहराया गया है। पर ये सब साबित कैसे करोगे? उस वक्त वहां पर जो भी स्टूडेंट्स थे वो सब उसके खिलाफ है, हम अपना फैसला वापस नहीं ले सकते, चाहकर भी नहीं ले सकते, और इस कार्यवाही के सारे पेपर्स ट्रस्टी के ऑफिस में जा चुके हैं, अब कुछ नहीं कर सकते।
रोहन ने सब कुछ देखा है, वो गवाही देगा ना तो सबको पता लगेगा कि चीजा जी को भड़काया गया था। मैम एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जो शिवांश के फेवर में गवाही दे सकता है। कौन है वो?